हाँ बच्चों, कैसे आप सब? ठीक हो ना? तो आज अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो अभी अपना लेक्चर चैप्टर खत्म करते हैं. टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा. आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं थोड़ा सा. ओके, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, थोड़ा जानकारी मिल जाएगी आपको. सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आपको दिया इफ ए इज इक्वल टू डायगनल. डायग नहीं है ये, इसको बोलते हैं डायगनल. क्या बोलते हैं? डायगनल. और ये डब्बा बनाया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स. अब सुनो, तुमको बताया मैंने डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है. डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? क्या मैंने क्या बताया है? बाकी सब जीरो होंगे, सिर्फ डायगनल में कुछ ना कुछ नंबर रहेगा. इस तरह क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं थे, एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में है ही नहीं. मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ. क्या आपको ए मैट्रिक्स दिया है, जो कौन सा मैट्रिक्स है? डायगनल. देखो, डायगनल मतलब ऐसा होता है, बाकी सब जीरो होते हैं, डायगनल में से नंबर रहेंगे, कोई भी नंबर रहे वो. ओके, पर यहां पर अपने को डायगनल वाला वैल्यू दिया है. क्या दिया है? डायगनल में क्या रहेगा? 2 - 3 - 5 ऐसे. मतलब क्वेश्चन कितना होशियार निकला. देखो, पहले क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहता था, अब ऐसे की जगह लोगों ने ऐसे दे दिया, आधे बच्चे गुम हो गए, समझे गए नहीं क्या है ये. पर मैं बता रहा हूं आपको, ए कौन सा मैट्रिक्स है? डायगनल. डायगनल माने बाकी सब जीरो, सिर्फ डायगनल में नंबर रहेगा. अब वो डायगनल नंबर क्या रहेंगे ये छाप देने का. यानी सिंपल, आपको ए मैट्रिक्स दिया है 2 - 3 - 5. देखो यहां दिया है मैंने 2 - माइनस 5 है ना, सॉरी -5, बाकी जगह आ जाएगा 0. ओके, नेक्स्ट बी मैट्रिक्स भी दिया है. बी क्या है? डायगनल मैट्रिक्स है, खाली डायगनल में नंबर रहेगा. डायगनल नंबर क्या रहेगा? 4 - 6 - 3, बाकी क्या हो जाएगा? 0. ओके, सेम रहेगा सी मैट्रिक्स. सी मैट्रिक्स भी कौन सा मैट्रिक्स है? डायगनल. खाली डायगनल में नंबर रहेगा, यानी क्या? -3 - 4 - 1, बाकी सब क्या रहेंगे? 0. ओके, तो ये जिसको समझ गया उसको आ जाएगा. पर मैं कहता हूं 10 में से 4 या 5 लोग को समझेगा ही नहीं दिया क्या है. ओके, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ओके, जो घुमा के पूछते हैं, दिया हुआ रहेगा पर घुमा के पूछा रहेगा. अब हमको फाइंड करना है. देखो ये सिंपल है, ये सिंपल है आपके लिए. आपको फाइंड करना है b + c - a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इससे भारी भारी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है. चलो करते हैं. b की वैल्यू क्या दी है? ये दी हुई है, यानी क्या हो जाएगा? 4 - 0 - 0, ये 0 है. 0 - 6 - 0 - 0 - 3 प्लस सी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस सी. सी की वैल्यू क्या दी है? ये क्या आ जाएगा? -3 - 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 1. ओके, हाँ आगे एक और है ना, सॉरी बीच में क्या है? माइनस ए. ए की वैल्यू किधर? इधर है 2 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0. नेक्स्ट क्या है? 0 - 0 - 5. ये ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. ओके, चलो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं. प्लस कैसे करना है? देखो, तुमको पता है ये सारे खाली डायगनल में वैल्यू चेंज होगा, डायगनल में, बाकी सब जीरो ही रहने वाला है. तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायगनल सॉल्व करो. देखो, 4 - 3 - 1 - 6 + 4 - 2 - 3 + 1 कितना हो जाएगा? -2, बाकी 0. टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फट से होगा सॉल्व. माइनस ये ऑलरेडी है एज इट इज. तो मैंने क्या बोला? सिर्फ डायगनल सॉल्व करो, इसका डायगनल और इसका डायगनल. ओके, चलो इस बार माइनस करना है, ध्यान से करना. 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1. अब ध्यान से, रॉन्ग होता है. देखो यहां पर -2, यहां लिख के दिखाता हूं. -2 हमको करना क्या है? माइनस करना क्या है? माइनस किसके साथ करने का है? -3 के साथ. तो यहां आ जाएगा -3. याद होगा बहुत लोगों, फिर भी बता रहा हूं बार बार, ताकि आपको जो बचे हुए बच्चे उनको समझे. -2 - -2 बीच में आएगा माइनस, तो माइनस किसके साथ करना है? -3 के साथ. अब देखो, -2 - -3 क्या हो जाएगा? +3. अब आप ही बताओ, -2 और +3 कितना होता है? +1. तो यहां आ जाएगा +1. ओके, नेक्स्ट यहां भी देखो ऐसे ही है, -2 - -2 बीच में करना है माइनस, किसके साथ करने का है? -5 के साथ. तो -5 क्या बन जाएगा? +5. डायरेक्ट कर दिया मैंने, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 3. ओके, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0.
ओके समझ गए, इतना इजी है, इतने कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, ओके वैसे तो आपका होमवर्क कर रहा है, फिर भी मैं एक सेट करके दिखाता हूँ कुछ लोग के लिए जिनको समझना शायद डिफिकल्ट होता है। सेम वही, अरे मैं रब कर दिया वो चीज़, चलो देख लो मिल जाएगा अपने को वैल्यू। अब देखो इसका वैल्यू फाइंड करना, तो सिंपल क्या है, देखो 2 into a, अब ए तो पता होगा आप लोगों को, ए क्या है देख के बता दो, 2 - 3 - 5 बाकी 0, ओके लास्ट वीडियो दिखाया, देख लो क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास। प्लस बी, बी माने ये 4 - 6 - 3 बाकी 0, -5 सी, सी की वैल्यू कितनी है ये क्रॉस में लिखो, -3 - 4 - 1 और क्या है इधर पे बाकी 0, इसको तुम सॉल्व करो। तो ये नेक्स्ट देख लो, एबीसी डाल दिया अपन ने, अब इसको तुम सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तुमको खुद पे घर पे करना है, ट्राई करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ओके इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ अभी। तो लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, ओके चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ओके क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिया है, अब देखो इस तरह क्वेश्चन भी आपने सॉल्व नहीं किया होगा। ओके ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं अपने को, ये प्रूफ करना है, वेरीफाई मतलब प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, डिटरमिनेंट ए बी किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ए इंटू बी, ये मैट्रिक्स नहीं है डिटरमिनेंट है, कभी भी ऐसे ए लिखा है मैंने ऐसे बना दिया मतलब डिटरमिनेंट, जो आप क्रैमर रूल में सॉल्व करते हो या 10 में सॉल्व करते थे। ओके तो अपने को क्या प्रूफ करना है, ए बी का डिटरमिनेंट निकालोगे वो किसके बराबर रहेगा, ए के डिटरमिनेंट इंटू बी के डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एलएचएस पे, सिंपल है, अगर हमको ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले हमारे पास ए बी होना चाहिए, बताओ ए बी है क्या, ए एंड बी नहीं, ए बी, ए बी मतलब एक मैट्रिक्स, ऐसा कोई है क्या, है ही नहीं, हमारे पास ए अलग है बी अलग है, तो पहले अपने को अगर ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले ए बी को निकालना पड़ेगा, सिंपल है। ए बी कैसे फाइंड करोगे, देखो पहले आएगा ए 2 - 1 - 0 - 3, फिर आएगा बी 1 - 3 - 2, ए और बी, अब इसको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए आपको, बताया मैंने, सिखाया पूरा एक्सरसाइज सीखे हमने, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 1 जा हो जाएगा 2, 1 - 3 - 3 कौन सा 3 + 3, अब इससे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 1 - -2 क्या हो जाएगा -2, ये मैं हम पहले पढ़ चुके हैं, कभी भी पहला पहले को मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे को, पहला पहले को दूसरा दूसरे को। ओके अभी फर्स्ट रो हो गया हमारा, अभी हमारा सेकेंड रो पहले वाले से, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 9 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0 2 जा क्या होगा 0, 3 - -2 कितना हो जाएगा -6। ओके देख लो अच्छे से एक बार, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 1 - 2 1 3 - 3, इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 2 - 4, 1 - -2 - 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे 0 1 - 0 3 3 - 9, फिर इससे करना है 0 2 - 0 3 - -2 - 6, तुम्हारा वैल्यू क्या है बताओ, 2 + 3 हुआ तुम्हारा 5, ये हुआ 2, ये हुआ 9, ये हुआ -6, ये तुम्हारी ए बी की वैल्यू निकली। लेकिन आपको ए बी नहीं, आपको डिटरमिनेंट निकालना है ए बी का, तो अपने को सप्पल निकालना है डिटरमिनेंट ए बी, डिटरमिनेंट निकालने आना चाहिए, आता होगा 10 में किया है मैंने, ही बार करवाया, क्रॉस करो इसको इससे, इसको इससे, 5 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -30, बीच में हमेशा माइनस, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 9 2 से कितना होता है 18, 5 - -6 - 30, बीच में हमेशा माइनस आएगा इसलिए आगे माइनस लगाया मैंने, 9 2 से कितना होता है 18, तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है बराबर, 30 + 18 कितना होता है 48, पर साइन किसकी आती है माइनस की, या आपका डिटरमिनेंट ए बी आया, यानी आपका एलएचएस आ गया, एलएच लिख सकते हो चाहो तो वहां पर, या तो मैं 1 लिख दे तो भी चलेगा। अब आरएचएस के लिए मुझे क्या चाहिए, ए का डिटरमिनेंट चाहिए, बी का डिटरमिनेंट चाहिए, वो तो डायरेक्ट मिल जाएगा अपने को क्योंकि ए और बी दिया है। ओके तो डायरेक्ट निकालो डिटरमिनेंट अपने को, ए क्या करोगे 2 3 - 6, बीच में माइनस 0 1 - 0, तुम्हारा वैल्यू आया 6, कैसे कर रहे हैं हम लोग 2 3 - 6, बीच में माइनस 0 1 - 0, 6 आंसर आया। अगला निकालना है डिटरमिनेंट बी, चलो 1 - -2 - 2, बीच में आता है माइनस,
थ्री टू जा सिक्स, रिपीट कर रहा हूँ, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, बीच में आता है माइनस, थ्री टू जा सिक्स, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, सिक्स प्लस टू एट हुआ, साइन आएगी माइनस, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट बी निकल गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो लिखने का डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, इनके जो कुछ भी नहीं मतलब इंटू है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चलो डिटरमिनेंट ए कितना है हमारा सिक्स, तो यहाँ आएगा सिक्स इंटू, क्योंकि इनकेज में इंटू है, डिटरमिनेंट बी बी कितना है माइनस सिक्स एट, सिक्स एट जा कितना होगा 48, कौन सा 48 माइनस 48, ये हमारा निकल गया आरएचएस इक्वेशन नंबर टू। अब बताओ एलएचएस और ये आरएचएस इक्वल है क्या, देख लो चाहिए तो यहाँ लिख लो समझने के लिए, वरना आप कंफ्यूज होंगे, ये हमारा क्या है एलएचएस और ये हमारा क्या है आरएचएस, ओके ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, इक्वल आया तो लिखने का देयरफॉर क्या, फ्रॉम वन एंड टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ओके समझ गया, लास्ट सेट में लिख दो देयरफॉर क्या, डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, अंडरस्टूड समझ गया आपको, सिंपल ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉपी कर लो इतना, थैंक यू वेरी मच।